हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी की प्रतकथा। जन्माष्टमी का पर्व भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जन्माष्टमी की प्रतकथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है, तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस देवकी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। देवकी कंस की चचेरी बहन थी, यानी कि चाचा की बेटी थी। जब देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए कंस रवाना हो गए। जब वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से छोड़ने उसके ससुराल जा रहा है, उसी के आठवें पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर कंस को आश्चर्य हुआ और वह क्रोधित हो गया और वह वसुदेव और देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। तभी वसुदेव ने कहा, हे कंस, आप हमें मारिए मत, हमारी जो भी आठवीं संतान होगी वह हम आपको सौंप देंगे। तभी कंस ने थोड़ा सोच विचार किया और वसुदेव देवकी का वध करने की बजाय उन्हें कारागार में डाल दिया। जब देवकी के संतान हुई तो वह एक एक करके सारे संतानों को मारता गया। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सातों संतानों का वध कर दिया। अब देवकी फिर से गर्भवती हुई और उनके आठवीं संतान होने का टाइम आ गया। तब कंस ने कारागार का पहरा और भी ज्यादा कड़ा कर दिया। उस समय भादौ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तब भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि उन्होंने ही तुम्हारे आठवें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से अवतार लिया है। भगवान विष्णु ने वसुदेव से कहा कि आप मुझे नंद बाबा के यहाँ वृंदावन में छोड़ आइए और नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, आप उसे यहाँ कारागार में ले आइए। यशोदा जी के गर्भ से अवतार लेने वाली कन्या कोई और नहीं, स्वयं माया थी। यह सब सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार में पहुंचा। वहां उसने देखा कि आठवीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है और तेरा काल तो वृंदावन पहले ही पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जितने भी बालक पैदा हुए सबका पता लगाया। जब उसे यशोदा के लाला का पता चला तो उसने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा और तरह तरह के कई प्रयास आजमाए, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव का बालक है, वही देवकी की आठवीं संतान है। जब श्री कृष्ण बड़े हो गए तब उन्होंने कंस का वध किया, सच्चाई की जीत हुई और पाप का नाश हुआ। ऐसा माना जाता है जो भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।